दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के छोटे प्लेटफॉर्म यानी कि टीवी इंडस्ट्री में हमें इशिता और अमन भल्ला के साथ साथ गोपी और अहम जैसी जोड़ियों के अलावा ऐसी भी कई जोड़ियां देखने को मिली हैं जिनके बीच भले ही उम्र का कहीं ज्यादा फासला हो, पर इतना ज्यादा एज डिफरेंस होने के बावजूद भी उन जोड़ियों ने दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट किया और अपना नाम टीवी इंडस्ट्री की टॉप लिस्टेड जोड़ियों में शुमार करवाया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बेहद ज्यादा एज डिफरेंस होने के बावजूद भी दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने वाली इन जोड़ियों में से किसने जीता दर्शकों का सबसे ज्यादा दिल और बनाई इस मामले में नंबर वन पर अपनी जगह? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए जानते हैं कौन सी हैं वे जोड़ियां और किसने बनाई है नंबर वन पर अपनी जगह। नंबर 8, प्रियल महाजन और अमर उपाध्याय। इस लिस्ट के नंबर 8 पर अपनी जगह बनाई है सीरियल मोलक्की में पूर्वी और वीरेंद्र प्रताप सिंह का किरदार निभा रही प्रियल महाजन और अमर उपाध्याय की जोड़ी ने। बता दें कि जिस तरह से सीरियल में अमर उपाध्याय अधेड़ उम्र के व्यक्ति का किरदार अदा कर रही हैं, असल में वो 44 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और प्रियल महाजन अभी महज 19 साल की हैं, यानी कि इस जोड़ी के बीच करीब 25 साल का शॉकिंग एज डिफरेंस है, पर दर्शकों द्वारा इन्हें खूब ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। नंबर 7, साक्षी तंवर और राम कपूर। इस लिस्ट के नंबर 7 पर अपनी जगह बनाने वाली जोड़ी है साक्षी तंवर और राम कपूर की, जो हमें साल 2011 में आए टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं में प्रिया और राम के किरदार में देखने को मिले थे। बता दें कि भले ही इस जोड़ी के बीच उम्र का कई ज्यादा फासला नजर आता हो, लेकिन दोनों के बीच एक साल का भी गैप नहीं है और इसी तरह इन्होंने हम उम्र होते हुए अपनी इस जोड़ी से दर्शकों का इतना दिल जीता था कि ये जोड़ी आज भी दर्शकों द्वारा खूब याद की जाती है। नंबर 6, ईशा मालवीय और अंकित गुप्ता। साक्षी तंवर और राम कपूर के बाद इस लिस्ट के नंबर 6 पर नाम शुमार है अभिनेत्री ईशा मालवीय और अंकित गुप्ता की जोड़ी का, जो कि हमें उदारिया सीरियल में जैस्मिन और फतेह के किरदार में दिखाई दे रहे हैं। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस जोड़ी के बीच उम्र का करीब 14 साल का फासला है, पर इस लॉन्गेस्ट एज डिफरेंस के बावजूद भी ये जोड़ी दर्शकों का खूब दिल जीतती हुई नजर आ रही है। नंबर 5, कनिका मान और निशांत सिंह मलकानी। जी हाँ, कनिका मान और निशांत सिंह मलकानी की ये जोड़ी वही है जिन्हें आपने साल 2018 में सीरियल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में गुड्डन और अक्षत के किरदार में देखा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जोड़ी के बीच उम्र का करीब 6 साल का फासला है, जहां कनिका मान 28 साल की हैं तो वहीं निशांत सिंह मलकानी 34 साल के हो चुके हैं। लेकिन इस एज डिफरेंस के बावजूद भी ये जोड़ी अपनी लव केमिस्ट्री से दर्शकों की पसंदीदा जोड़ी में से एक बनकर उभरी थी। नंबर 4, रीम शेख और सहवान अजीम। कनिका मान और निशांत सिंह मलकानी के बाद बात करें रीम शेख और सहबान अजीम की जोड़ी के बारे में, तो बता दें कि सीरियल तुझसे है राब्ता में कल्याणी और एसीपी मल्हार का किरदार निभाकर दर्शकों की पसंदीदा जोड़ियों में अपना नाम शुमार कराने वाली इस जोड़ी के बीच करीब 17 साल का एज डिफरेंस है, जो कि बेहद ज्यादा है। नंबर 3, राधिका मुथुकुमार और अविनाश मुखर्जी। इस लिस्ट के नंबर 3 पर अपनी जगह बनाने वाली जोड़ी है राधिका मुथुकुमार और अविनाश मुखर्जी की। आप इन दिनों सीरियल ससुराल सिमर का 2 में सिमर और आरव जायसवाल के किरदार में देख रहे हैं। वहीं बात की जाए इस जोड़ी के बीच एज डिफरेंस की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां राधिका मुथुकुमार 30 साल की हैं, तो वहीं अविनाश मुखर्जी 24 साल के हैं, यानी कि इस जोड़ी के बीच उम्र का पूरा 6 साल का फासला है। नंबर 2, नील भट्ट और आयशा सिंह। इस लिस्ट के नंबर 2 पर अपना नाम शुमार कराने वाली जोड़ी है अभिनेता नील भट्ट और आयशा सिंह की जोड़ी, जिन्हें आप सीरियल गुम है किसी के प्यार में सई और विराट के किरदार में देख रहे हैं। बता दें कि इस जोड़ी के बीच उम्र का 9 साल का फासला है, जहां आयशा सिंह 25 साल की हैं तो वहीं नील भट्ट 34 साल के हो चुके हैं, लेकिन 9 साल का अंतर भी इस खूबसूरत जोड़ी में कोई इफेक्ट नहीं डालता। नंबर 1, गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली। जी हाँ, अभिनेता गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली की इनके भी एज डिफरेंस होने के बावजूद भी इस जोड़ी ने जीता दर्शकों का सबसे ज्यादा दिल और बनाई इस मामले में नंबर 1 पर अपनी जगह। बता दें कि जहाँ अभिनेता गौरव खन्ना 39 साल के हैं, तो वहीं रूपाली गांगुली 44 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उम्र में 5 साल का गैप होने के बावजूद भी ये जोड़ी दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटी है और आज दर्शकों की पहली पसंद भी बन चुकी है।
तो दोस्तों, एज डिफरेंस होने के बावजूद भी दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने वाली इन जोड़ियों में से आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।